आज तिलवारी ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत प्रशिक्षण किया गया है, जिसमें सैकड़ों महिलाएं यहां पर मौजूद रहीं और उनको जानकारी दी गई है जल जीवन के बचाव के और प्रदूषण के बारे में। तो महिलाएं यहां पर सब भागीदारी लिया और इस मीटिंग में आने के लिए समय भी दिया। आज यहाँ पर जो प्रशिक्षण चल रहा था जन जीवन मिशन के तहत, जी जी, तो उसमें किस तरह की जानकारी महिलाओं को दी गई? वो पानी के लिए जो है गांव-गांव में जा जा कर थोड़ा साफ सफाई के बारे में बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है साफ सफाई रखें, और नल कहते हैं नल, उसी में लोग बर्तन धुलते हैं, उसी में कपड़े धुलते हैं, तो सब और उसी में जा कर वॉशरूम करते हैं, वहीं नहा लेते हैं, तो ये सब थोड़ा हटके करना है लोगों को, इसीलिए यहाँ हमें प्रशिक्षण के लिए आज बुलाया गया था। कब से शुरू था यह प्रशिक्षण? ये 9 बजे से। जो आप ये यहाँ से प्रशिक्षण जो बताया गया है प्रशिक्षण के द्वारा, तो आप जाकर गांव में किस तरह की जानकारी करें देंगे? बस यही जानकारी हम लोग देंगे साफ सफाई के बारे में, और ये जो जल जीवन बताया गया है तो ये व्यवस्थाएँ बोलेंगे कि भाई अपनी अपनी व्यवस्थाएं थोड़ा सा साफ सफाई के बारे में ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा, और ये नल वल के बारे में जो है दूर दूर से रहो जो है जानकारी दी गई है कि हम लोगों को जल के बारे में, कि जैसे गांव में लोग गंदा पानी पीते रहते हैं तो उसको जो है स्वच्छ पानी पिए, जल बोले उसको, और अच्छा जो है क्या कहते हैं पानी जो गंदा इधर उधर पड़ा हुआ है, मतलब उनके बारे में बताया है कि पानी अधिक से अधिक बचाएं और उसको व्यर्थ ना करें, और सभी लोगों को जानकारी दें कि मतलब पानी साफ सुथरा यूज करें और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बचत करें, इसके बारे में बताया गया है। और अगर कोई इस तरह की मतलब नहीं हमारी बात मानता है तो उसके लिए हमें लंबित नंबर दिया गया है, उसके बारे में हमको उनसे बताया जाए। ये जो प्रशिक्षण चल रहा है तो इसमें महिलाओं को किस तरह की जानकारी दी जा रही है? महिलाओं को गांव में जाके और लोगों के बीच में जल जीवन मिशन के उद्देश्य, इसके लाभ, जल के संचयन, उसके संरक्षण, जल की बर्बादी न हो, इसके विषय में महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। तो गांव में जाके और लोगों के बीच में इस बात को लोगों को जागरूक करें, क्योंकि आने वाला समय जल को लेकर ही बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों इसके लिए अलग मंत्रालय बन गया है, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति का। गाँव में हर घर में नल से जल को पहुँचाया जाए, सरकार की मंशा के अनुरूप जो कार्य संपादित कराए जा रहे हैं उसके विषय में लोगों को पूर्ण रूप से जागरूकता फैलाने का प्रयास। जो पाइपलाइनें खींच रही हैं वो कितनी गहराई में बीचे उसकी गहराई का उनका मेरी मीटर हो, क्योंकि उससे ऊपर अगर लगेंगे तो पाइप पर क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। उसके बाद जो टूटी से उनको कनेक्शन दिया जा रहा है तो हर लाभार्थी को पता हो कि वो वहाँ से कनेक्शन 15 फीट ले सकता है, उसमें लोहे की स्टैंड लगेगी, पीतल की टूटी लगेगी। जब ये लोगों को जानकारी रहेगी जब एजेंसी जाएगी तो उनका लोग खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।